तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले बोगी के कंस्ट्रक्शन के बारे में और बोगी का जो फ्रेम होता है उसके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो बोगी होती है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, बोगी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे कि हमने बात किया था, जो बोगी होती है वो क्या होती है, ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिकल सब सिस्टम होता है ट्रेन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रेन के फ्लेक्सिबल मूवमेंट के लिए, ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। सिमिलरली जो बोगी होती है वो एक ऐसा मैकेनिकल सब सिस्टम होता है ट्रेन का जो कि ट्रेन को गाइड करता है, ट्रेन को ये बताता है कि ट्रेन को कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो जो बोगी है इसमें हमें अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बोगी है उसमें हम लोग बात करते हैं बोगी के फ्रेम के बारे में। अभी जो बोगी का जो फ्रेम होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बोगी के सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम लोग फिट करते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एयर स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लेवलिंग वाल्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स हैंगर हमें जो दिखाई दे रहा है यह है गियर बॉक्स हैंगर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये गियर केस। तो ये सारे के सारे जो मैकेनिकल जो कंपोनेंट होते हैं किस में फैब्रिकेटेड होते हैं, ये सारे के सारे जो मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं ये सारे मैकेनिकल कंपोनेंट को हम लोग लगाए होते हैं बोगी के फ्रेम के अंदर। अब ये जो बोगी का जो फ्रेम है इसमें हमें बेसिकली तीन असेंबली मिलती है, साइड बीम असेंबली, क्रॉस बीम असेंबली और फिर उसके बाद एंड बीम असेंबली, राइट। जैसे कि हमने बात किया था दो तरीके की बोगी होती है, पहली जो बोगी है वो है मोटर बोगी और दूसरी जो बोगी है वो है ट्रेलर बोगी। मोटर बोगी ऐसी बोगी होती है जिसमें क्या लगा होता है, मोटर लगी होती है, ट्रैक्शन मोटर। यहाँ पर ये वाली जो बोगी है ये है मोटर बोगी क्योंकि यहाँ पर ये ट्रैक्शन मोटर लगी है। और ट्रेलर बोगी वो बोगी होती है जिसमें ट्रैक्शन मोटर नहीं लगी होती है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मोटर बोगी से, क्योंकि जो मोटर बोगी है इसमें बहुत सारी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग समझ जाते हैं तो जो ट्रेलर कार के जो बोगी है उसका भी कंस्ट्रक्शन ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मोटर कार की जो बोगी है, तो मोटर कार की बोगी में हमें क्या मिलेगा, हमें बोगी फ्रेम मिलेगा। तो मोटर कार बोगी फ्रेम, तो मोटर कार की बोगी फ्रेम हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अभी जो बोगी फ्रेम होता है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो बोगी फ्रेम होता है ये स्केलेटन होता है बोगी का, राइट। अभी बोगी फ्रेम में अगर हम लोग देखें हमें तीन असेंबली मिलती है, एंड बीम असेंबली मिलती है, साइड बीम असेंबली मिलती है, क्रॉस बीम असेंबली मिलती है। तो यहाँ पर ये वाली जो असेंबली है ये बेसिकली एंड बीम असेंबली है, फिर उसके बाद ये वाली जो असेंबली हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो असेंबली हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं साइड बीम असेंबली, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो असेंबली जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बीम असेंबली, राइट। तो ये तीन असेंबली हमें दिखाई देती है मोटर कार बोगी के फ्रेम में। बट जो ट्रेलर कार बोगी का जो फ्रेम होता है उसमें हमें ये एंड बीम असेंबली नहीं मिलती, उसमें हमें सिर्फ साइड बीम असेंबली मिलती है और क्रॉस बीम असेंबली मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो बोगी हमने जो कंसीडर किया ये बेसिकली ट्रेलर कार की बोगी जिसमें हमें साइड बीम असेंबली मिल रही है और ये क्रॉस बीम असेंबली मिल रही है। अभी जो क्रॉस बीम असेंबली होती है इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, तो क्रॉस बीम असेंबली का एक और एक नाम होता है जो कि होता है ट्रांसफॉर्म। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बोगी फ्रेम है, बोगी फ्रेम में जैसे कि हमने बात किया पहले पे हमें क्या मिल रहा है, साइड बीम असेंबली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइड बीम असेंबली, तो फर्स्ट पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये साइड बीम असेंबली, फर्स्ट साइड बीम असेंबली, फिर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बीम असेंबली। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पर अगर हम लोग देखें ये क्रॉस बीम असेंबली जिसे ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो बीम होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंड बीम असेंबली, तो यहाँ पर ये एंड बीम असेंबली। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फोर्थ पे अगर हम लोग देखें मोटर ब्रैकेट, मोटर ब्रैकेट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो बोगी फ्रेम है इसमें हमें तीन असेंबली मिली, साइड बीम, क्रॉस बीम, एंड बीम असेंबली। अभी ये जो बोगी का जो फ्रेम होता है इसमें हमें और कुछ पार्ट्स मिलते हैं जैसे कि जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट। अभी ये जो ब्रैकेट होता है ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, सारे जो मैकेनिकल कॉम्पोनेंट होता है सारे मैकेनिकल कॉम्पोनेंट और इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल कॉम्पोनेंट जैसे कि एयर स्प्रिंग हो गई, लेवलिंग वाल्व हो गया, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट जैसे कि हमने बात किया ट्रैक्शन मोटर, ये है क्या, ये इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर ये वाली फिगर में अगर हम लोग देखें हमें ब्रैकेट दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट, ये वाली जो ब्रैकेट होती है किसके लिए होती है, ट्रैक्शन मोटर के लिए। ये वाली जो ब्रैकेट होती है ट्रैक्शन मोटर के लिए होती है, यहाँ पर हम लोग ट्रैक्शन मोटर को लगाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये वाली जो ब्रैकेट होती है बेसिकली गियर केस हैंगर के लिए होती है, यहाँ पर ये रॉन्ग दिया है, ब्रेक कैलिपर यूनिट फिक्सिंग ब्रैकेट ये उसके लिए नहीं होती, ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसके साथ हम लोग गियर केस हैंगर लगाते हैं। ट्रेन में अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से गियर बॉक्स लगा होता है, ट्रेन की जो बोगी होती है उसमें गियर बॉक्स लगा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से गियर बॉक्स लगा है, यहाँ पर ये गियर बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है गियर बॉक्स। अभी गियर बॉक्स के साथ कुछ इस तरीके से ये हैंगर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गियर बॉक्स हैंगर, या फिर बोल सकते हैं गियर केस हैंगर। यहाँ पर ये जो गियर केस हैंगर होता है फिर जो गियर बॉक्स हैंगर होता है इसका क्या काम होता है, ये बेसिकली जो गियर बॉक्स है उसे बेसिकली हैंग करने का काम करता है। और ये जो गियर बॉक्स हैंगर है ये वाली ब्रैकेट में फंसा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गियर हैंगर ब्रैकेट, या फिर बोल सकते हैं ब्रैकेट फॉर गियर बॉक्स हैंगर।
राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो गियर बॉक्स हैंगर है, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो गियर बॉक्स है उसे हैंग करने का तो काम करता है, साथ ही साथ जो मैकेनिकल जो फोर्स का जो ट्रांसमिशन होता है ये गियर बॉक्स एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, जब हमारी ट्रेन मूव होती है तो ऐसे केस में जो गियर बॉक्स है मूव करता है, और जो मूव करता है ये फ्लेक्सिबल होता है गियर बॉक्स। राइट, तो ये जो गियर बॉक्स जो मूव करता है तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन है ये गियर बॉक्स हैंगर क्या कर लेता है, ये गियर बॉक्स हैंगर ये मैकेनिकल वाइब्रेशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, तो यहाँ पर हमने बात किया गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स के बारे में अगर हम लोग और थोड़ा बात करें तो जो गियर बॉक्स होता है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, गियर बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और यहाँ पर ये गियर केस है, गियर केस हैंगर हमें दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो गियर बॉक्स होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो मैकेनिकल फोर्स है उसका ट्रांसमिशन करता है, ट्रैक्शन मोटर से व्हील तक जो मैकेनिकल फोर्स का जो ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है, गियर बॉक्स के थ्रू होता है। राइट, तो डबल स्टेज गियर बॉक्स एंड हाफ कपलिंग, यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है ये बेसिकली डबल स्टेज गियर बॉक्स है। डबल स्टेज गियर बॉक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है इसमें जो फोर्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर जो टॉर्क का जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये डबल स्टेज में हो रहा है। कितने स्टेज में हो रहा है, डबल स्टेज में हो रहा है। राइट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग देखें तीन गियर लगे तो डबल स्टेज में हो रहा है, तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है इसको हम लोग बोल रहे हैं डबल स्टेज गियर बॉक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बोगी मैकेनिकल ट्रांसमिशन कंसिस्टिंग ऑफ टू ट्रैक्शन मोटर, एक बोगी में कितने ट्रैक्शन मोटर होती है, दो ट्रैक्शन मोटर एंड डबल स्टेज गियर बॉक्स कनेक्टेड विथ फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो ये जो गियर बॉक्स होता है डबल स्टेज गियर बॉक्स होता है, जैसे कि हमने बात किया सिंगल स्टेज नहीं होता है, डबल स्टेज होता है, यहाँ पर डबल गियर लगे होते हैं, डबल गियर रेशियो होता है, तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं डबल स्टेज गियर बॉक्स। अभी यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स होता है किसके साथ कनेक्टेड होता है, ट्रैक्शन मोटर के साथ कनेक्टेड होता है विद दी हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी ये वाली फिगर में, हाँ इसको अगर हम लोग और जूम करें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फ्लेक्सिबल कपलिंग हमें दिखाई दे रही है। अभी जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है क्या काम करती है, ये जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली फिगर में दिखाई दे रही है क्या हमें, हाँ ये वाली फिगर में यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब ये फ्लेक्सिबल कपलिंग का क्या काम होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमारी ट्रेन मूव होती है सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं ये जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है क्या करती है, जो मोटर और ये जो गियर बॉक्स है दोनों के बीच का जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। इसके फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से जो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा होता है ये ट्रैक्शन मोटर और ये गियर बॉक्स के बीच में उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके वजह से होता क्या है कुछ मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं होता। तो ये है हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो यहाँ पर हमने बात किया फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ब्रैकेट के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें ब्रैकेट मिल रही है, यहाँ पर ये गियर केस हैंगर के लिए ब्रैकेट है, गियर केस हैंगर के लिए ब्रैकेट है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट हमें जो दिखाई दे रही है बेसिकली वर्टिकल डैम्पर के लिए ब्रैकेट है। जो वर्टिकल डैम्पर होता है ये स्ट्रेट लगा होता है, तो ये रीज़न की वजह से उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल डैम्पर। तो वर्टिकल डैम्पर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लगा के रखा है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर वर्टिकल डैम्पर के ब्रैकेट के बारे में हमने बात किया, फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें और क्या पार्ट बचा है, राइट इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हमें जो दिखाई दे रही है ये हम लोग यूज़ करते हैं एयर स्प्रिंग के लिए, जो एयर स्प्रिंग बेल होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ये वर्टिकल डैम्पर, वर्टिकल डैम्पर के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा के रखा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एयर स्प्रिंग हमें जो दिखाई दे रही है ये एयर स्प्रिंग के लिए भी हमने एक ब्रैकेट बना के रखा है, तो जो एयर स्प्रिंग के लिए जो ब्रैकेट है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये वाली जो ब्रैकेट है किसके लिए, ये है एयर स्प्रिंग के लिए ब्रैकेट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली लैटरल डैम्पर की ब्रैकेट होती है, ये वाली जो ब्रैकेट होती है किसके लिए ब्रैकेट होती है, लैटरल डैम्पर की ब्रैकेट होती है। तो जो लैटरल डैम्पर की जो ब्रैकेट है कहाँ पर लगी है, क्रॉस बीम पे लगी है, और जो वर्टिकल डैम्पर की जो ब्रैकेट है वो कहाँ पर है, वो साइड बीम पे लगी है। तो जो वर्टिकल डैम्पर की जो ब्रैकेट है वो कहाँ पर लगी है, साइड बीम पे लगी है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अब और क्या पार्ट्स बचा है, यहाँ पर हमने बात किया। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्टॉप। लैटरल स्टॉप के बीच में क्या कनेक्टेड होता है, सेंटर पिवट कनेक्टेड होता है, आगे बात करेंगे हर एक यूनिट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्टॉप। ये क्या होता है, ये लैटरल स्टॉप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल स्टॉप। और लैटरल स्टॉप के बीच से क्या आ जाता है, लैटरल स्टॉप के बीच मिडल से बेसिकली सेंटर पिवट आता है। तो यहाँ पर ये जो हमने जो फ्रेम के बारे में जो बात किया ये कौन सी फ्रेम है, ये बेसिकली मोटर कार बोगी की फ्रेम है, मोटर कार बोगी की फ्रेम के बारे में हमने बात किया। अभी बात करते हैं हम लोग ट्रेलर कार बोगी के फ्रेम के बारे में। अगर हम लोग देखें मोटर कार बोगी के सारे पार्ट्स
फ्रेम के अगर सारे पार्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बात किया मोटर के लिए ब्रैकेट होती है, गेयरबॉक्स के लिए ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेक के लिए ब्रैकेट होती है, एक और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटर कार बोगी में अगर हम लोग देखें, मोटर कार बोगी में ये वाली जो ब्रैकेट हमें जो दिखाई दे रही है एंड बीम असेंबली पे जो ब्रैकेट जो दिखाई दे रही है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, ये किसके लिए होती है? ये बेसिकली होती है ब्रेक कैलिपर के लिए। अब जो ब्रेक कैलिपर होता है वो क्या होता है? जो ब्रेक कैलिपर होता है एक ऐसा पार्ट होता है जो कि क्या, जिसमें बेसिकली ब्रेक शू लगे होते हैं। अब ब्रेक शू के थ्रू होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग देखें जो बाईसाइकिल होती है, साइकिल में जो ब्रेक शू जो लगा होता है, साइकिल में जो ब्रेक शू जो लगा होता है, ब्रेक शू जिस पार्ट में लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक कैलिपर पार्ट, या फिर बोल सकते हैं ब्रेक कैलिपर यूनिट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें हमारी जो ट्रेन है, ट्रेन की बोगी में भी ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक यूनिट या फिर बोल सकते हैं ब्रेक कैलिपर, यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर। तो जो ब्रेक कैलिपर होता है कहाँ पर लगा होता है? ये बेसिकली ये ब्रैकेट पे लगा होता है, और ये जो ब्रैकेट होती है कहाँ पर लगी होती है? एंड बीम असेंबली पे लगी होती है। हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्रेक कैलिपर जो यूनिट हमें जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली एंड बीम असेंबली पे लगी होती है इन केस ऑफ मोटर कार। बट जो ट्रेलर कार होती है, ट्रेलर कार में ये जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होती है वो कहाँ पर लगी होती है? वो ये ट्रांसडोम पे लगी होती है, मतलब क्रॉस बीम पे लगी होती है। तो यहाँ पर ये ब्रेक कैलिपर यूनिट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है ये ट्रेलर कार में, जैसे हमने बात किया मोटर कार में जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है ये कहाँ पर लगी होती है? ये एंड बीम असेंबली पे लगी होती है मोटर कार में। बट जो ट्रेलर कार है, ट्रेलर कार में जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होती है वो ये ब्रेक ब्रैकेट के साथ लगी होती है, और ये जो ब्रेक ब्रैकेट है कहाँ पर लगा होता है? क्रॉस बीम असेंबली पे, मतलब ट्रांसडोम पे, हम लोग जिसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। जो ट्रेलर कार है, ड्राइवर ट्रेलर कार है, इसमें जो ब्रेक कैलिपर जो यूनिट है कहाँ पर लगी होती है? ट्रांसडोम में लगी होती है, क्रॉस बीम असेंबली पे लगी होती है, राइट। तो यहाँ पर वही डिस्कशन हमने किया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लैटरल डैम्पर की ब्रैकेट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है बेसिकली लैटरल डैम्पर की ब्रैकेट, जैसे कि हमने बात किया ये वाली फिगर में, ये है लैटरल डैम्पर की ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली जो ब्रैकेट है किसके लिए? ये है बेसिकली लैटरल डैम्पर के लिए ब्रैकेट, जैसे हमने बात किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ये जो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर है उसके लिए ये ब्रैकेट है, राइट। अभी जो वर्टिकल डैम्पर है ये भी एक तरीके से कौन सा डैम्पर है? सेकेंडरी डैम्पर है, सेकेंडरी सस्पेंशन है, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये ट्रेन की बोगी और ट्रेन की कार को कनेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लैटरल स्टॉप ब्रैकेट, लैटरल स्टॉप ब्रैकेट हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, लैटरल स्टॉप ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमने बात किया जो मोटर कार की जो बोगी है उसके फ्रेम के बारे में, अभी हम लोग बात करते हैं जो ट्रेलर कार की जो बोगी है उसके फ्रेम के बारे में। तो ट्रेलर कार की जो बोगी है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो ट्रेलर कार की बोगी में जैसे कि हमने बात किया हमें एंड बीम असेंबली नहीं मिलेंगी, तो ट्रेलर कार की जो बोगी है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और इसमें हमें एंड बीम असेंबली नहीं मिलेंगी। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेलर कार की जो बोगी होती है इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें क्रॉस बीम असेंबली मिलती है जिसे ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है, फिर उसके बाद हमें साइड बीम असेंबली मिलती है बट एंड बीम असेंबली नहीं मिलती। अभी जो ट्रेलर कार की जो बोगी है इसमें अगेन अगर हम लोग देखें यहाँ पर ही हमें लैटरल स्टॉप मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो ब्रैकेट मिल रही है। अब ये जो ब्रैकेट है किसके लिए? ये है लैटरल डैम्पर के लिए ब्रैकेट, राइट। जो लैटरल डैम्पर होता है वो क्या करता है? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है उसे डैम्प करने का काम करता है, और जो वर्टिकल डैम्पर होता है वो क्या करता है? जो वर्टिकल जो फोर्स होता है उसे डैम्प करने का काम करता है, जो वर्टिकली जो वाइब्रेशन एक्ट कर रहे होते हैं उसे डैम्प करने का काम करता है वर्टिकल डैम्पर। यहाँ पर ये है वर्टिकल डैम्पर के लिए ब्रैकेट, वर्टिकल डैम्पर के लिए जो ब्रैकेट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये है बेसिकली लैटरल डैम्पर के लिए। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था जो ट्रेलर कार होती है, ट्रेलर कार में जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है वो कहाँ पर लगा होता है? ट्रांसडोम पे लगा होता है, मतलब क्रॉस बीम पे लगा होता है। तो जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है वो कहाँ पर लगा है? ट्रांसडोम पे लगा है, मतलब क्रॉस बीम पे लगा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ये एयर स्प्रिंग के लिए हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम लोग एयर स्प्रिंग को लगाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है ये बेसिकली एयर स्प्रिंग के लिए हमें दिखाई दे रहा है। फिर बस यही है हमारा ट्रेलर कार की बोगी। ट्रेलर कार की बोगी में एंड बीम असेंबली नहीं होती, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। और ट्रेलर कार की जो बोगी होती है इसमें बेसिकली इसमें मोटर नहीं लगी होती है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइड बीम असेंबली, साइड बीम असेंबली यहाँ पर दिखाई दे रही है, एयर स्प्रिंग ब्रैकेट, एयर स्प्रिंग ब्रैकेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्रॉस बीम असेंबली, क्रॉस बीम असेंबली यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ATC एंटीना ब्रैकेट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ATC एंटीना ब्रैकेट हमें किस में मिलती है? यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये जो मैं जो ब्रैकेट जो दिखाई दे रही है ये है बेसिकली ATC एंटीना ब्रैकेट के लिए। यहाँ पर ये एक तरीके का एंटीना सिस्टम होता है, राइट। तो उसके लिए जो ब्रैकेट है यहाँ पर हमने लगा के रखा है ATC एंटीना ब्रैकेट। फिर उसके बाद ब्रेक ब्रैकेट, ब्रेक ब्रैकेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, जैसे हमने बात किया लैटरल डैम्पर के लिए जो ब्रैकेट है हमें 6 नंबर पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो ब्रैकेट है ये है लैटरल डैम्पर के लिए,
फिर उसके बाद लेटरल स्टॉप के लिए जो ब्रैकेट है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेटरल स्टॉप के लिए ब्रैकेट। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर के लिए जो ब्रैकेट है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर की ब्रैकेट। तो ये है बेसिकली जो ड्राइवर ट्रेलर कार है उसकी जो बोगी है उसके फ्रेम के हर एक पार्ट्स।